थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं कनॉट प्लेस में मौजूद, तमाम सारे मेहमान, तमाम सारे लोग बहुत दूर से आते हैं, रोज मिलते हैं, रोज बातचीत का सिलसिला मैं यही हूं, इसी तरह यहां पर जोड़ता हूं। आज भी बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ूंगा, लेकिन आज हमने कुछ सवाल रखे हैं सामने और मैं चाहता हूं कि वो सवाल स्क्रीन पर भी आपको दिखें और उन सवालों को आप जानें, क्योंकि उनसे अगर हम सीधे जवाब तक पहुंच गए उन सवालों से, मैं जानता हूं, मानता भी हूं कि आसान सवाल नहीं है और इन सवालों को टटोलते रहना बहुत जरूरी है। और वही काम करता है भैया जी कहीं, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक जगह है जहां पे तमाम सारे सवाल कभी आपकी तरफ से, कभी मेरी तरफ से, कभी मेहमानों की तरफ से आते रहते हैं और हम कहीं किसी जगह पहुंच कर इस बात को मानते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन कैसे हो ये समझ में नहीं आता। हाँ भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं हम समझ गए, शाम का मामला है। तो सवाल ये है कि कैसे बात तक पहुंचा जाए, सवाल ये है कि यही है सबसे अच्छी बात, यही है इस शो की। मुझे मालूम है हर आदमी की अपनी तकलीफ है, कोई शाम को होते ही अपने गम को भुलाना चाहता है और मेरे साथ दिक्कत ये है, जैसे ही शाम होती है मुझे लगता है सारे गम जो है सामने आने चाहिए, यही टकराहट है। कुछ लोग गम भुलाने के लिए शाम को यहाँ पे खड़े हो जाते हैं आके, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, बस जब तक भोले ना, डिस्टर्ब ना करें। लेकिन बातचीत का सिलसिला आज जोड़ेंगे आप सारे मेहमान, आप तमाम सारे लोग। कहाँ से आई हैं आज आप जी? कहाँ से हैं आप? पश्चिम बिहार। तो दिल्ली से? और आप कहाँ से हैं? वैशाली से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? अमृतसर से। वाजी वाजी, क्या नाम है इनका? लवेश। और आपका? सुशांत। और आप? रितु। अमृतसर से आए और आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। नाराज है क्या? हमें लगा नाराज आ रहा है। यहाँ आने के बाद कोई नाराज नहीं होता। हाँ भैया जी कहीं नहीं नाराज नहीं होइए। हाँ ये मास्क जरूर बांटते रहिए। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा से। बहुत अच्छी बात है, बाल मिठाई लेके आइएगा अगली बार जब आइएगा। दिल्ली वालों को तो मैं पूछता ही हूँ, रोज ही पूछता हूँ। जब आप दिल्ली वाले बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं, आज ही पता चला क्योंकि घाव आज ही लगा है। जी जी सुनिए मैं बताता हूँ, आप ही का चेहरा दिखा के बताऊँ। हाँ जी, दिल्ली वाले क्या होते हैं, बात कुछ कहते हैं, बात का इशारा कुछ करते हैं, कहना कुछ होता है, बता कुछ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्हें ये कहना था कि भाई साहब हम मेरी तरफ आ जाइए, बड़ा गजब के सार होते हैं। और बिहार वाला चुपचाप खड़ा रहेगा, अपने में ही गुस्सा होगा, वो बोलेगा नहीं कुछ। यूपी वाला कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास आना है, मुझे बातचीत का सिलसिला जुड़ना। जनाब कहाँ से हैं आप? चंदौली से। चंदौली उत्तर प्रदेश जी, जी। क्या नाम हो गया साहब? अभिमन्यु जी। आजकल तो अभिमन्यु ऐसे ही होते हैं सफेद कुर्ता वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी अभिमन्यु होने चाहिए सफेद कुर्ता पैजामा में, अच्छा लगता है मुझे देख के। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुश्किल चीज है, ये आसान नहीं है। आपका नाम साहब? शंभुनाथ जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप भी कहाँ से हैं? चंदौली से। आप बाबू जी? आप? उमर शंकर सिंह, चंदौली उत्तर प्रदेश। हाँ चंदौली उत्तर प्रदेश। तो कुछ कहना है बाबू जी आपको? नहीं कुछ नहीं कहना, चंदौली से हैं। सारे लोग चंदौली का ये ग्रुप आ गया, तो कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ आपका मन है? पहले जब बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे, है ना जी? थोड़ा देखिए, ये फर्क है, ये बुनियादी फर्क है, दिल्ली वाले समझे। जैसे उत्तर प्रदेश वाला कहेगा थोड़ी देर आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा, जब समझ में आ जाएगा तो बीच में जोड़ देंगे। बिहार वाला भी यही कहेगा, दिल्ली वाला कहेगा ला पहले बोल लेते हैं फिर देखा जाएगा क्या होगा। ये फर्क है जी। मैं आपके मेहमानों की तारीफ कराना चाहता हूँ, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर भी रखना चाहूंगा। 6:02 हो गए। पहला सवाल मैं रखूं से पहले मैं मेहमानों का तारीफ कराना चाहूंगा। अमरीश रंजन पांडे जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर में प्रेम कुमार जी मौजूद होंगे। हरिओम भारद्वाज जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब, थैंक यू सो मच। सूर्य मैथिल साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं उससे पहले स्क्रीन पर आज का पहला सवाल, और सवाल ये है कि समाज में टकराव की स्थिति की असल वजह क्या है। यह मेरा पहला सवाल है कि समाज में टकराव की स्थिति की असल वजह क्या है, क्यों टकराव हो रहा है इतना ज्यादा। यह सवाल है जो मैं आज रखना चाहता हूं। दूसरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर
लगाम लगाने की जरूरत है? यह मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है? यह मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि नफरत फैलाने वालों पर क्या सख्त और फास्ट ट्रैक सुनवाई जरूरी है? यह मेरा तीसरा सवाल है कि नफरत फैलाने वालों पर क्या सख्त और फास्ट ट्रैक सुनवाई जरूरी है? ये तीन सवाल मैं पहले चंक में रखूंगा, जब मैं ब्रेक के बाद दोबारा लौटूंगा तो दो सवाल मैं और रखूंगा। लेकिन सबसे पहले समाज में टकराव की स्थिति की असल वजह क्या है? जी ये सवाल है। मैं इधर से कोई बोलना चाहे, जहां पे आ गया तुम्हारे पास आ गया, जी जी बताइए। सबसे बड़ी वजह जो एक कंफ्यूजिंग माहौल तैयार कर एक समाज में बांटने का, धर्म का, निरपेक्ष का जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन में आदमी कहता कुछ है, उसका व्यू बनाकर ऐसा प्रोपगंडा बनाया जा रहा है कि नफरत की राजनीति दो रोटियां सेकने विपक्ष चाहता हो कामयाब हो जाते हैं। जी जैसे आपने भी ये कंफ्यूजन बनाया, एक एक सवाल रखा तो मुझे लगा कि कंफ्यूजन ओवरऑल है, फिर आपने कहा कि नहीं विपक्ष जो है उसमें कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, मैंने सवाल आपका लिया। जी सर ये वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है जी, वर्चस्व बढ़ाना चाहता है कोई एक विदेशी मजहब यहाँ पे आके अपने वर्चस्व को बड़ा दिखाना चाहता है संविधान से भी ऊपर, जबकि हिंदू लोग जो कि मनुस्मृति को भी प्रणाम कर चुके हैं, गीता महाभारत से देश को नहीं चलाया जा रहा, लेकिन वो चाहते हैं शरिया से इस देश को चलाया जाए और वो जबरदस्ती थोपना। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं रामेश्वर आर्या। रामेश्वर आर्या जी, रामेश्वर जी आर्या जी, जब ये बात कह दे कोई कि हमारा और आपका डीएनए एक है, हमारे और आपके पुरखे एक हैं, तो फिर विदेशी कौन हुआ, कहाँ हुआ, कब आया, कैसे हुआ? बहुत आर्य जी आपने कहा मजहब की बात, मैं भी कर रहा हूँ, मैं कहा से दूर की बात कर रहा हूँ, मैं मजहब की बात कर रहा हूँ। जब मैंने कह दिया आपका खून मेरा खून, मेरे पुरखे एक हैं, तो विदेशी कौन? भाई मैंने कहा कि कौन लगा देगा, इस देश मुल्क आजाद है और आप आजाद मुल्क में रहते हैं। यही मैंने कहा कि जहन कैसे खोला जाए, जहन से मेरा मतलब है दिमाग कैसे खोला जाए। एक मिनट आ रहा हूं, सोशल मीडिया अपना पहले दो को सोशल मीडिया, तो अपना जहन कैसे खोला जाए, अपना दिमाग कैसे, किसी ने कहा शरिया लगाया जा रहा है, पहले कौआ कान ले गया, भाई साहब कहां ले गया, देखा किसी ने? देखा किसी ने नहीं, हुजूर अली ले गया। यही हो रहा है, ये मुश्किल है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि कौआ कान ले गया, ले आया या नहीं लिया ये किसी से कोई मतलब नहीं। शरिया कहां लग रहा है, किसने लगाया, संभव है इस मुल्क में? संभव है इस मुल्क में? इम्पॉसिबल है, तो जोर से बोलो ना, नहीं है। तो सवाल फिर ये आया कि विदेशी कौन? अरे विदेशी है ही नहीं कोई भाई, हमारे राब के पुरखे जब एक, हमारा डीएनए एक, तो फिर काहे की लड़ाई? यही मैं कह रहा हूं, सवालों की तह में जाने की जरूरत है, और आप जब बोलेंगे तो बहुत सारे जवाब निकलेंगे। और कुर्ता वाले भैया, बड़ा बढ़िया कुर्ता निकाला, कहां का है ये बना हुआ? ब्रह्मांड का, दिल्ली का। दिल्ली का है? ना ना, दिल्ली में कुर्ता बनता ही नहीं है, दिल्ली में तो लोग आते हैं कुर्ता पहन के। कहां का है? दिल्ली का। ना ना ना, दिल्ली का नहीं, पहले पता करो कहां का है। उत्तर प्रदेश। कहां से हैं आप? गुड़गांव। गुड़गांव से? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट है, कुछ थोड़ा बहुत सोचने समझने का काम करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे पहले सवाल पे कि आखिर टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है? नहीं, दूसरे सवाल पे बोलना चाहूंगा मैं। दूसरे सवाल पे? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बोलना चाहेंगे तो रोक नहीं सकता मैं, सोशल मीडिया पे बोलिए जी। लगानी तो चाहिए रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, और जो प्रभावी मंत्री हैं उन्होंने भी, ऑफकोर्स मैं आया, प्रभावी मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि चाहे कोई हो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी कंपनी हो रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास जी, वेट करिएगा। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आपका? अमन। अमन, अमन क्या काम करते हैं आप? बिजनेस करता हूं गाड़ी। बिजनेस का, गाड़ियों का? कैसा चल रहा है बिजनेस गाड़ियों का? थोड़ा मार्केट तो ऊपर हुआ है, सेकंड हैंड गाड़ियों का या सेकंड हैंड गाड़ियों का? मैं समझ गया था कि सेकंड हैंड गाड़ियों का, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा मार्केट है सेकंड हैंड गाड़ियों का, तो कैसा है मार्केट इस समय? ठीक चल रहा है मार्केट। ठीक चल रहा है, ठीक है। तो मैं जानना जरूरी है कि आदमी काम क्या कर रहा है, किस जगह से आ रहा है, क्या बात कहना चाह रहा है। मैं आ रहा हूँ भैया, उधर चंदौली वाले भैया, मैं आ रहा हूँ अभी, आपका सवाल है पूछना है। सोशल मीडिया में लगाम लगा देंगे तो हम लोगों को सच्चाई कहाँ पता चल पाएगी फिर? अच्छा आपको लगता है, देखिए ये भी एक है कि अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे या रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो सच्चाई हमें कैसे पता चलेगी? तो अब सवाल ये खड़ा होता है बहुत ईमानदारी के साथ, जिसको मुझे रखना चाहिए, जो मैं मीडिया से हूं और मीडिया का काम करता हूं और जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं उसको टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म कहते हैं, तो उसको पूरी तरह से लोग सच्चाई के साथ जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि अगर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप अगर लगा देंगे
तो फिर मेरे ऊपर सवाल आ जाता है कि हम यानी काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तमाम सारे दांव पेच हैं, ये सवाल लेके मैं उस तरफ भी जाऊंगा। जी, आपका क्या मानना है कि टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है समाज में? सर, मेरा मानना तो ये है कि लोगों की मेंटलिटी उस प्रकार की बन चुकी है कि मतलब सब इस चीज को कोई लेके ही नहीं चलता कि देश भर में, दुनिया भर में और भी मुद्दे हैं, लेकिन सब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अटके हुए हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अटके हुए। बाबूजी, मैं आपके पास बिल्कुल आना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन अत्री है साहब। एक अजीम शायर ने एक शेर लिखा है। इरशाद साहब, सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े, तो सच ना रहे, तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। क्या बात है, और झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। वाह क्या जनाब, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी, जी अभी साहब मैं आपको अमूमन देखता हूँ टीवी पे। जी, सवाल ये उठता है, अभी आपने काली फिल्म देखी क्या? मैंने देखी तो नहीं, मैंने पोस्टर पोस्टर नहीं, मैं कल से न्यूज में डेली देख रहा हूँ काली का, और माँ काली हमारी काली है। हमारी माँ जब सिगरेट नहीं पीती तो जगत की माँ कैसे सिगरेट पीती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और ये वही मंच है जिसे हम भैया जी कहीं के नाम से जानते हैं, जिसमें खुले तौर पे बात हो सकती। जनाब आली, आपने सवाल रखा, आप सवाल का जवाब भी दी। ऑफकोर्स मैं नहीं जान, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अब पसंद भी नहीं करूंगा। नापसंद, पसंद और नापसंद के घेरे पे नहीं हो। जब मैं माँ कह दिया तो माँ के पसंद और नापसंद क्या होती? माँ तो माँ ही होती है। अब सवाल ये होता है, सवाल मैं आ रहा हूं, मैं सवाल का जवाब, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। और अब जनाब एक चीज और बताएं, आजकल गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, बहुत कम सारे लोग जानते होंगे। वो जानते होंगे, वो सिर्फ जानते हैं कि साल में दो होती हैं, लेकिन साल में चार होती हैं। तो आप ये जानते होंगे थोड़ी बहुत, तो मुझे नॉलेज शाक्त की है, शाक्त परंपरा की भी नॉलेज है। अब सवाल उठता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं कि क्यों पोस्टर पे दिखाया गया। जनाब आली, बहुत गलत है ये, और मालूम है कि उससे सस्ता प्रचार, सस्ता प्रचार। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं माँ पे तो बात कर सकता हूं, लेकिन उस प्रचार के लिए ये मंच नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उनका प्रचार करूं इस मंच पे वो बिल्कुल सही नहीं। मैं मुद्दे पे लौटता हूं, सबसे पहले विशाल जी को खड़ा करता हूं, जनता की बात सुनी। पहला सवाल मेरा कि आखिर समाज में टकराव क्यों? भैया जी, आज जो समाज में टकराव की बात आप कर रहे हैं, हम आप देख रहे हैं, ये टकराव नहीं है। हमें समझना होगा कि इसके पीछे के जो कारण हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो क्या हैं, क्यों हैं। तो मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये जो विभाजनकारी राजनीति है, तुष्टिकरण नहीं, विभाजनकारी एक है, तुष्टिकरण अलग है। ये जो विभाजनकारी राजनीति है जिसे तुष्टिकरण से पुष्पित और पल्लवित किया गया है, और जिस पर प्रगतिशीलता का चोला ओढ़कर आगे आकर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उसके पीछे का यह सबसे बड़ा कारण है। आज चोट करनी है उस विकृत मानसिकता पर, आज चोट करनी है उस अलगाववादी मानसिकता पर, और इसमें एक अकेला कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं, ये समाज। राइट राइट, विशाल जी कहते हैं कि टकराव की स्थिति इसलिए है। क्या नाम है तुम्हारा? इशिता। व्हाट्स योर एज? 19 साल की इशिता है, जिनके सामने मुझे सवाल तो कुछ और रखना चाहिए था, मुद्दा मैं आपको ऑफकोर्स दूंगा, मुद्दा इनके सामने कुछ और रखना चाहिए था, बात कुछ और होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में, जिस समाज में इशिता रहती है, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें उनके बगल वाले खड़े हुए शख्स रहते हैं, वो रहती हैं, ये रहते हैं, मुद्दा ये है कि समाज में टकराव की स्थिति क्यों बनी है। विशाल जी का कहना है कि टकराव की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, और जो जैसा है जहां है उसको ढक दो, और वो इरप्शन एक दिन तो होना था, वो इरप्शन होके सामने खड़ा है। जी 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 जी, मजेदार बात तो ये कि ऐसे लोग अपने आप को प्रगतिशीलता का चोला उड़ाकर, बुद्ध जीविका का एग्जाम्पल देकर ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। राइट, तो ये एक सवाल ये और हुआ इनका। ऑफकोर्स मेरी जिम्मेदारी है, ऑफकोर्स सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आप अपने घर में सत्य कथाएं पढ़िए और बच्चे को अभिमन्यु बनाइए। संभव है? नहीं संभव है भैया। घर में पढ़ो सत्य कथा और बच्चा निकले अभिमन्यु, कैसे हो जाएगा भैया? नहीं होगा। तो इस समाज में अगर छद्म राजनीति होगी,
छद्म तरीके से चीजें रखी जाएंगी तो बेहतर कल बेहतर आज संभव ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। पहला सवाल प्रतीक जी, आपने सबसे पहला सवाल रखा कि क्या सोशल मीडिया पे लगाम लगानी चाहिए। मुझे पहला सवाल यह कि समाज में टकराव की स्थिति का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यही है सोशल मीडिया पे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं 99% लोग कहेंगे कि इस पे लगाम नहीं लगानी चाहिए, और मैं भी कहूंगा। लेकिन पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए कि कौन आदमी कौन कहाँ से है और कौन सी हवा बह रहा है। एक पूरा माहौल तैयार किया गया है केवल और केवल आम आदमी को लड़ाने के लिए। चंद राजनेता, चंद पार्टियां अपने लाभ के लिए लोगों के खूनों में उबाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी जो यहाँ पे है, जो कमा के खा के घर में जाता है, रात में दो रोटी और सब्जी खा के सो जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि माँ काली के मुंह में सिगरेट वाला फोटो हमने देख लिया। उसकी भावनाएं इतनी कोमल भी नहीं होती है, वो आहत भी नहीं होता है, सुबह में फिर निकलता है अपने काम पे चला जाता है। लेकिन ये चंद लोग जो बैठे हैं इसी में, वो जो फोटो डालते हैं और उसके दिमाग को जो गर्म करते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए डालते हैं। इस पे पहले पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, पहली बात। समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, ये केवल और केवल, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां, सारी पार्टियां कमोबेश ये काम करती हैं, बिल्कुल हम उससे ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। आम आदमी हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन है, हिंदू और मुसलमान जितने एक साथ भाईचारे और प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, ये चंद लोग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, और ये जो दरारें पैदा करने की कोशिश की जाती है, हम उन चंद लोगों के ऊपर मिट्टी डालें। मुश्किल ये है कि इन सोशल मीडिया और हम इस चैनल पर बैठ करके लगातार उनका गुणगान करते हैं और उनको लाइक मिलाते हैं और लोगों के बीच में ला जाते हैं। राइट, धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक आम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि काली माँ की तस्वीर पे सिगरेट हो या ना हो। ये कितना बड़ा एक, मैं ये कहूँगा, तमाचा है हमारी आस्थाओं के ऊपर कि हमारे भगवान का अपमान अगर हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात जहाँ तक आपने कहा अभी कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है, तो आप देखिए, हिंदू तो सदैव कहता है सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् भाग भवेत्। हम सबका सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब मोपला में डायरेक्ट एक्शन डे पे, चाहे वो मौजपुर का दंगा हो जाए, वो कश्मीर हो जाए, उसके बाद भी हम लोग तो माहौल खराब नहीं करते। हम तो हाथ पकड़कर अपने भाई का गर्व। हम लोग से मतलब क्या है आपका? हम लोग से मतलब हिंदुओं से है। समझ में तो मुझे भी आ गया था कि हम लोग से किसका मतलब है, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कि हम लोग से क्या मतलब है। पूरी बात करने देंगे, बिल्कुल, ऑफकोर्स आप पूरी बात करिए। आप, ये भी एक बड़ा मसला है कि मेरी शर्ट जो है बहुत साफ है, तुम्हारी शर्ट में दाग है। फैसला भी हम ही, बोलते भी हम ही हैं, फैसला भी हम ही देते। कविता लिख ली क्या? आपको कविता सूझ रही है, यहाँ जान निकल जा रही है। हाँ, रिलेटेड है। अच्छा, बनाइए पूरा, मात्रा अतरा सही करिए, छंद करेक्ट करिए, छंद है या फ्री वर्स है, क्या है? तुकबंदी में भी लिखा, तो मैं आता हूँ। जनाब, कंप्लीट योर सेंटेंस। तो चाहे कहीं भी हो, हिंदू सदैव गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, लेकिन दर्द तब होता है जब 350 साल के बाद हमारा शिवलिंग मिलता है, हमें पता चलता है कि उसके ऊपर वजू हो रहा था। और यदि कोई बात किसी ने कह दी तो क्या पूरे देश में पत्थरबाजी वो लोग करेंगे? हमारे लोग, मैं आया, राइट राइट, नहीं नहीं, हमारा तुम्हारा ये बड़ी लड़ाई है। हाँ जी, लड़ाई है हमारा और तुम्हारा। अगर समाज के जो लोग हैं वो अगर एक यूनिटी में चले, हमारा तुम्हारा ना करे, तो इसका समाज का बंटवारा हो ही ना। और जो आजकल सर, जो आजकल नीति चल रही है, एक तो साक्षरता, जो भी किसी को एक बात बोली जाए वो उसी को सही और गलत नहीं समझ पाते, उसी की एक भेड़ चाल होता है, वो भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं उसी बात पे। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अगर सर उसी बात को हम लोग खुद रेक्टिफाई करके क्या सही है और क्या गलत है, अगर ये इस बीच का अंतर हम समझते हैं। बहन, मैं, क्या नाम है तुम्हारा? सर सोनम। रुको रुको, 18 साल उम्र है अभी। सोनम, क्या 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 नाम है तुम्हारा? सोनम। सोनम, जैसे ने कहा कि हम खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम खुद भी समझ सकते हैं, हम खुद भी देख सकते हैं। जैसे रुकिए रुकिए रुकिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, इतना ज्यादा ज्ञान है कि यहीं से आपकी गंगा निकल रही है। रुकिए, देखिए, मेरे डिबेट के नियम, देखिए, एक मुश्किल ये भी है, एक मुश्किल ये भी है, मैं आ रहा हूँ बेटा तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ। मुश्किल ये भी है कि लोगों को लगता है कि बोल रहे हैं
तो सब अच्छा ही बोल रहे हैं, और उम्र में आधी होगी, कद में आधी होगी, कह रही है कि जो बोले उसको देख लें और चेक कर लें और फिर रेक्टिफाई कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम रेक्टिफाई नहीं करना चाहते, हम जब बोलना चाहते हैं तो उसे बोलते रहना चाहते हैं। जैसे ही इन्होंने कहा मैंने माइक हटा लिया था, इधर से मैंने रेक्टिफाई कर लिया, इसे कहते हैं रेक्टिफाई करना। मुझे मालूम था कि कहां पे कौन सा सेंटेंस निकल ले, मैंने पूछा आपसे मतलब कौन, मुझे मालूम था आपसे मतलब इनका हिंदुओं से है। मैं विरोधी नहीं हूं किसी का, लेकिन मैं इस बात का मानता हूं कि सबका समानता के साथ निर्वाहन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं उदयपुर पे, औरंगाबाद पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? विकी, क्या काम करते हैं आप? होटल मैनेजर हूं मैं। होटल मैनेजर है, कहां पे? दिल्ली में? नहीं, महपालपुर दिल्ली में हूं। महपालपुर दिल्ली में? अच्छा ठीक, मैं आता हूं आपके सवाल पे भी, आता हूं उदयपुर पे सवाल पे। बैठिए जी जनाब। टकराव कैसे कम हो और टकराव का कारण सुनिए बेटा। ना 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 ना। हाँ जी, ये बेवकूफ आदमी है। अरे नूपुर सरबार पे क्या केस किया, कौन सा ये? नहीं, ये पागल क्यों है ये मुझे बताइए। पागल है ये, हिंदुस्तान सबका है यार। हाँ जी, ये मैं हिंदू हूँ। हाँ। अगर ये हिंदुस्तान सबका है, यहाँ मुसलमान भी। चलो पहले सुनो, पहले बात सुनो। तुम्हारे पास आया था ना, जब तुम होटल में आते हो, जब तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम रजिस्टर में देख के नंबर उनको देते हो एंट्री, कि तुमको नहीं देंगे तुमको देंगे? सबको देते हो ना, तो ये मुल्क भी सबका है। जी सुनो, तुमसे दो गुनी उम्र का आदमी है जो, सुनो बहुत काबिल नहीं, पहले जो बात सुन ले। क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो? जो बात कह रहा है उसको सुनने की सब कोशिश करो। जी ये नफरत ये बीजेपी वालों की फैलाई हुई है, ये नूपुर सरमा पे। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा, जो आप पहली बात कह रहे थे कि ये मुल्क सबका है, और इसमें कोई कहे ये मेरा ज्यादा है, मेरे वालिद मेरे ज्यादा हैं, ये कम है ये ज्यादा है, ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता। मैं हारा। जी जी जनाब, जवाब आपको इन लोगों से ही मिल चुका है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की जरूरत है। तो बैठ जाइए, फिर बैठ जाइए, बैठिए, इंतजार करिए, जरा बैठिए, आइए खड़े हुई जी। पहले तो क्योंकि बहुत सीधा सा बात है, आप इस रस्सी के पीछे खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि कमतर हैं। मौके की बात है, आप वहीं बैठ सकते हैं, ये बच्चा भी वहीं बैठ सकता है। आपने अपना मौका छोड़ा, मैंने बोलने के लिए कहा है, इंतजार करके लोग हुजूर आली इंतजार करके लिख के लोग खड़े हैं कि मुझे बोलने का मौका मिल जाए, बस सिर्फ एक बार इंतजार करिए, मैं मौका दूंगा आप, लेकिन बाद में। जी जी जी, हाँ ठीक है, कभी कभी स्टाइल भी होता है आपका। जी मैं आया। जी पहले तो सबको प्रणाम, डरने की जरूरत नहीं गुरु जी, अब निर्भीक होकर बोलिए। हाँ जी, हाँ आपने हाँ। जो प्रतीक जी सवाल किया कि नफरत की वजह इस राष्ट्र में क्या है, टकराव क्यों है? हाँ, टकराव क्यों है? हाँ, तो सामाजिक शक्ति संतुलन की कमी है और सामाजिक सहयोग में बिखराव है। शक्ति संतुलन की कमी इसलिए है, कोई भी व्यवस्था हो आप पूरा दुनिया उठाकर देख लीजिए, जो डरा सकता है दबाव डाल सकता है उसके हित में फैसले आते हैं, चाहे संसद हो चाहे कोर्ट हो, कोई भी संस्था हो। लेकिन भारत में एक समाज डरा पाता है और एक बिल्कुल इतना सहिष्णु है कि डराना तो दूर है, वो अपने अच्छों के साथ भी खड़ा नहीं हो पाता। दूसरा, इसमें जो तेल डाल रहे हैं, मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। अमूल्या लियोना नाम की एक ईसाई है, कन्वर्ट, 19 वर्ष की है केवल, उसने ओवैसी जी की रैली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए आग कहां से लगती है, क्या पाकिस्तान में ईसाइयों की स्थिति अच्छी है? नहीं। क्या वो जो है एक विकसित मुल्क है? नहीं। क्या वो एक अच्छा मुल्क है? नहीं। क्या वहां वामपंथियों की स्थिति अच्छी है? नहीं। फिर क्यों बोला हिंदुओं को गाली दो, मुसलमानों को टक्कर पर खड़े करो, ये है टकराहट, ये है टकराहट। तो आखिर क्यों टकराहट है, इसका फायदा क्या है? मैं बता रहा हूं, इसका फायदा है कि आप वामपंथ कब आता है किसी भी मुल्क में, जब वहां बर्बादी हो, जब वहां तबाही हो। चीन में खुद मार रहे हैं, म्यांमार में बौद्धों से जब मरवा रहे हैं, पाकिस्तान को भुखमरा कर दिया भारत। मैं बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहता कि टकराहट क्यों होती है, मैं तुम्हारे पास आता हूं, बहुत आसान कर देता हूं स्थिति कि टकराहट क्यों होती है, टकराहट क्यों पैदा की जाती है जनाबे अली। इसलिए कि हम तो बर्बाद हैं सनम, हम तो डूबेंगे,
तुम सुकून से आदमी की परेशानी मालूम क्या है? अरे ये बगल वाले जो भाई साहब हैं शर्मा जी, इनके घर में एक कार आ गई, दूसरी कार कैसे आ गई? हाँ एग्जैक्टली, उनकी कमीज। तो हम अमन और चैन में कैसे हैं ये मैं मानता हूं आपकी, आपका विश्लेषण बिल्कुल ठीक है, कई मायनों में सही है कि आखिर परेशानी क्यों हो रही है पैदा, क्यों खड़ी हो रही है, वजह क्या है? सामाजिक शक्ति संतुलन भी हो सकता है जी, वन ऑफ द रीजन। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? किरण जैन। जी किरण जी, सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, हिंदुस्तान हर एक उस व्यक्ति का है जो अमन चैन की बात करता है, मिलकर रहता है और पूरे देश को मिला के चलाना चाहता है। उदाहरण बहुत सारे लोगों का है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। किरण जैन। किरण जैन, किरण जी, तो क्या जब ये बात आप कहती हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? नहीं, बुरा मत मानना, क्योंकि आजकल सवाल बहुत ईमानदारी से पूछे नहीं जाते। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप ईमानदारी से पूछिए। मैं ईमानदारी से पूछता हूँ एक सवाल आपसे, जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान ना तो हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, ना सिखों का, ना जैनों का, ना बुद्धों का, हर एक उसका है जो इससे मोहब्बत करता है, इससे प्रेम करता है, अखलाक है जिसके अंदर, जिसके अंदर इच्छा है, ये सबका हिंदुस्तान है। तो जब आप ये कहती हैं तो क्या कमतर जैन हो जाती हैं, छोटी जैन हो जाती हैं, छोटे हिंदू हो जाती हैं, बकरी में बकरी हिंदू हो जाती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं तो नहीं होती, नहीं हो सकती सर, कोई नहीं हो सकता है कहने से नहीं। और सच क्या है, यही है या कुछ और है? हाँ जी सच यही है। हाँ जी हाँ जी, जो मैडम ने बोला सच है, जिस दिन हम धर्म को छोड़ के ना इंसानियत को समझ जाएंगे उस दिन ये लड़ाई दंगे फसाद कम हो जाएंगे। इंसानियत को समझो, संविधान को फॉलो करो। अगर उसका एक जिसने बंदे ने कन्हैया लाल को मारा है, जिस बंदे ने कन्हैया लाल को मारा है उसके खिलाफ उसके सपोर्ट में अगर कोई बंदा खड़ा होता है तो उसके लिए भी एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, लेकिन हमें धर्म से पहले इंसानियत को अपने दिल में जगाना चाहिए। सवाल ये है कि जब औसत हिंदुस्तानी ऐसा है, मैनेजर साहब आज पूरा शो आपके लिए है, पूरा शो मैंने आपके लिए किया है। आई एम रेडी तो सब है, लेकिन उसके बाद रेडी के बाद दिमाग तंग दिमाग खुल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, खुलते नहीं है दिमाग। मैनेजर साहब के पास रजिस्टर होता है जिसमें हर आदमी होटल के मैनेजर हैं। बोला मैंने क्या क्या काम करते हैं, बोले होटल मैनेजर हैं। तो मैंने कहा कि क्या, बोले हिंदुस्तान से हिंदुओं का है। तो मैंने इनसे पूछा कि होटल के जो रजिस्टर होता है उसमें देख के एंट्री देते हैं क्या, कि हिंदू है इसको जाने देंगे और ये मुसलमान है इसको होटल में एंट्री नहीं देंगे? ये देश भी वैसा ही होता है बहन, इसमें सब एक मिनट बहस नहीं, ये देश भी ऐसा ही है, सबका है बराबर का है। लेकिन कहां पर चोट लगती है ये जानना मेरा अधिकार है, कौन चोट पहुंचा रहा है इस देश को, कौन तोड़ना चाहता है इस देश को, किसकी नियत में खोट है। हम तो ईमानदार लग रहे हैं यार शीशे में, लेकिन दूसरा वाला ईमानदार मुझे नहीं लग रहा है। कैसे दूर हो ये ईमानदारी, यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर मैं जूझ रहा हूं जी। कैसे लगे कि मैं तो ईमानदार हूं भाई साहब, मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी हूं, मतलब मैसे मतलब है आप, लेकिन उस सामने वाला जो बगल वाला खड़ा हुआ ईमानदार नहीं लग रहा, हो सकता है आपसे जवाब आ जाए। सर मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी, जो भी गलत चीजें हो रही है जैसे कन्हैया लाल जी का हुआ, कई लोगों का हुआ है, वो उसको अपन हिंदू और मुस्लिम से ले रहे हैं। एक्चुअली गलत करने वाला ना हिंदू होता है ना मुस्लिम, उसकी तहजीब या उसको संस्कार ही गलत करने का दिया जाता है। तुम्हारा तो खून खौल गया होगा। एक काम करो, यहाँ पे कनॉट प्लेस में 27 मंजिला एक इमारत है, घूम के आओ अभी थोड़ी देर में, वक्त है छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। चुकाओगे सरहद
कह रही है कुछ हमसे है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एबी ब्रदर्स। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं आपके बीच में। विमल संचेती जी जो प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने मुझे अभी तुरंत कहा कि अभी भी आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, आपने कहा कि जब हमारा डीएनए एक है, जब हमारा खून एक है, तो विदेशी कौन है। प्रतीक जी ये बात तो हिंदू ही कहते हैं, आप हिंदुस्तान के 10% मुसलमानों से ये कहलवा दें कि उनके पुरखे राम और कृष्ण थे, तो मुझे ये मान लूंगा कि हिंदुस्तान में विदेशी कोई नहीं है। ये सवाल संचेती जी ने मुझे भेजा और मैं ये मानता हूं कि ईमानदारी के साथ बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए बात, क्यों नहीं होनी चाहिए। दरअसल जब मैं बात कर रहा था उसमें किसी ने एक मैसेज और दिया, उन्होंने कहा कि धर्म सिर्फ आटे में नमक जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही, मैं सारी बातों को लेता हूं, लेकिन हमारे दो सवाल हैं जो इस चंक में थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये था जो आज कुल 5 सवाल पूछे हैं, उसमें दूसरा सवाल, चौथा सवाल ये कि विवादास्पद मुद्दों पर सहमति के लिए क्या उपाय है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमारे और उनके बीच में इत्तफाक पैदा करती है, उनके बीच में मतलब हम तो ये मानते हैं कि सब एक हैं, लेकिन आखिर जड़ क्या है, इसी पर बात हो रही है। तो विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए, ये मेरा चौथा सवाल है, विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए क्या उपाय है। और पांचवा सवाल ये है हमारा, गंगा जमुनी तहजीब का सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है, विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए। और पांचवा सवाल ये, गंगा जमुनी तहजीब क्या सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। और एक सवाल आपने पूछा था जी भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ लोगों की बात बार बार होती है कि लोगों को लिखने की आजादी होनी चाहिए, लोगों की बोलने की आजादी होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हम लोगों की भी, आम जनता की भी ये परेशानी है कि हमें भी सुनने की आजादी होनी चाहिए। हाँ। कि जो आप बोल रहे हैं उससे हमें भी अच्छा लगना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ने में हमें भी अच्छा होना चाहिए, वो हमारे लिए भी उपयोगी हो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, आप सोशल मीडिया का हम खोलते हैं देखते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे धर्म के बारे में कई चीजों विवादास्पद। मैं यहीं तक आना चाहता था, मैं इसी मुद्दे तक, इसी सवाल तक आना चाहता था, क्योंकि ब्रेक से पहले जो बैंक के, सॉरी होटल के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मोबाइल, मेरा मोबाइल देखिए, इस मोबाइल में कितना कितना कुछ आ रहा है, ये लिखा हुआ है इसमें। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू हिंदुस्तान का होना चाहिए। और आपने कहा कि सवाल आपने रखा, जवाब मेरे पास वहां मौजूद था, वो कह रहा है कि मेरे पास तो ये आ रहा है और जो कुछ इसमें आ रहा है और जो कुछ भैया जी बाबा 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 करते चले जा रहे हैं और जो ये बोलते जा रहे हैं, वही तो सब सच है। हमें कैसे पता चले हुजूर आली कि सही क्या है, गलत क्या है, ये हुआ भी या नहीं हुआ, पता किसी को नहीं है। सब चले जा रहे, परसों जाओ, परसे जाओ, खाए जाओ, जो भी आ रहा सब ठीक, ऐसा नहीं है। तभी मैंने सवाल लगाया था कि जो कुछ आ रहा है हमारे मोबाइल में, उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेक जरूर होना चाहिए। मैं तो सिर्फ यहीं तक नहीं कहता, जो बच्चे आजकल देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वो भी सब देख रहे हैं, उस पर भी होना चाहिए ऑफकोर्स, और बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पर। ये मामूली सा एक शहरी है, शहरी मतलब एक नागरिक है हमारी जैसे, कह रहा देखिए मेरे मोबाइल पे, तभी तो मैंने सवाल पूछा और निकाल के खड़ा हुआ है कि ये देखिए मेरे मोबाइल में है। इसको सच आपको साबित करना है ना सर, झूठ मुझे साबित करना है। सब कह रहे हैं सब सच भी नहीं, सब झूठ भी नहीं होते। हाँ मैंने सुना, बोले सब झूठ भी नहीं होते, अब सब सच भी नहीं होते, तय करना हम ही को है, इम्तहान हम ही को देना है, पर्चा हम ही ने बनाया है, इम्तहान हम ही को देना है, चेक हम ही को करना है, रिजल्ट हम ही को बनाना है। तो अंधा पर से आप न आप है आप ले, टेरर है या नहीं है इसको कौन चेक करेगा। सवाल ये है, नाउ आई एम कमिंग टू यू, यही तो बहस चल रही है और इसी में तो बात है। एक मिनट रुको बेटा, कुछ चीजें मैं मानता हूं, कुछ चीजें मैं मानता हूं, मैंने अच्छी खासी दुनिया देखी है, मैं मानता हूं कि मैं हर चीज का, हर विषय का ज्ञाता नहीं हूं और मुझे मेरे ऊपर भी कोई चेक होने चाहिए, फिल्टर होने चाहिए। जब वो फिल्टर होके बात आती है मेरे पास तो क्रॉस चेक होती है,
हमारे मीडिया में ये एक नियम है, कोई चीज अगर दिखाई जाएगी तो 5 बार चेक होगी, और अगर चूक होगी तो नतीजा क्या होता है ये हम सब जानते हैं। इसे चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक चेक क्रॉस चेक होना चाहिए। तो बेटा वो बेलगाम घोड़ा है, दौड़ रहा है सरपट सरपट सरपट, और रौनता बताए किसको जा रहा है, रौनता हमें और आपको जा रहा है। किसी के हाँ किसी को तो ऐसी तैसी हो ही नहीं, मैं तुम्हारे कान में बात सुन रहा हूं, मैं उसको अच्छी भाषा में बोलता हूं कि सरपट सरपट दौड़ता जा रहा है, और रौनता किसको जा रहा है, हमें और आपको, हमारे आपके संबंधों को, हमारी आपकी सोसाइटी को। बेलगाम घोड़ा है वो, और जो हमारे मोबाइल में दिख रहा है वो सब हम सच मान रहे हैं। इसीलिए हमने हमने वो दो सवाल पूछे, बेटा समझने की कोशिश करो। मैं खुद कहता हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, और मेरे ऊपर चेक होने चाहिए, मैं बोलूं उसका क्रॉस चेक होना चाहिए। सुनो मेरी बात, बेलगाम घोड़े का इंतजाम ये है कि पहले तो परवरिश कि बाप से सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, उसके बाद बोलेगा वो तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी जनाब, शुरुआती दौर में जब सवाल पूछा आपने, मुझे कुछ समय दीजिएगा सर, तो आप मैंने कुछ बोलने खत्म किया तो आपने बोला कि आपका टर्म, थोड़े पल के लिए मुझे बुरा लगा कि मैं कुछ बोलना चाहता था बोल नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सुना। मैं पूरी जितने भी लोग हैं यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपर्ट आदमी हैं, तुम्हें जवाब दिया है इन्होंने, जवाब मुझे भी दिया है इन्होंने, कहा कि पहले तो खराब लगा मुझे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब सुना मैंने तो यार क्या बोलना चाहते हैं हम, क्या बुद्धि जो आ गया है मोबाइल में, देख रहे हैं रात में 12 बजे, डाटा तो पूरा ही है मोबाइल में। अच्छा ये हो रहा है, ओए ओए ओए, अरे हुआ कहाँ, पता नहीं किसी को कहाँ हुआ है, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुलमा जोड़ा। नाउ ये प्लीज कंप्लीट। अब मैं एक चीज जो माइन्यूटली गौर किया आपने, मुझे लग रहा है 3 महिलाओं से सवाल इस डिबेट में उनको शरीक किया, संयोग बस मैं बड़े गौर से देख रहा था, तीनों 3 मजहब को बिलोंग करती थी, तीनों के विचार एक थे, आधी आबादी आपको एक जवाब दे चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो पूरे मुद्दे की बात है, देखिए फिलॉसफी, मैं फिलॉसफी से मास्टर हूं तो फिलॉसफिकल बात अलग चीज है, जब व्यवहारिक स्तर पे बात होती है ना, तो सत्ता में बैठा हुआ इंसान कौन उस चेयर पे बैठता है, जब प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उस बात को सुनी जाती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम नोटबंदी कर रहे हैं, पूरे मुल्क ने सुना, उन्होंने 12 बजे रात में GST लगाया तो पूरे मुल्क ने सुना, उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन है पूरे देश में, पूरे मुल्क ने सुना। पर आज इस माहौल में हमारे देश के मुखिया मौन है, जिन्हें बोलना चाहिए, जो महिला बोल रही है, जो बहन बोल रही थी, जो भाई बोल रहा है, वो बोलना चाहिए थे देश के मुखिया को कि तोड़ो मत, हिंदुस्तान की बुनियाद यही है, एक बार टूट चुके हम 47 में ऐसे ही विभेजनकारी शक्तियों के वजह से, दोबारा नहीं टूटना है हमें, हमें तोड़ने की कोशिश। और एक बात और कह दूं सर, कुछ पल के लिए आंधियां आती है, हवाएं चलेगी, कुछ पेड़ गिरेंगे, लेकिन इस देश की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है जिसको कोई एक पार्टी, कोई दल, कोई बत्ता, कोई विचारधारा तोड़ सके, इसमें किसी के वजूद में ऐसी ताकत नहीं। खुद खोल गया होगा बिल्कुल एकदम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि ये साहब हमारे मोदी जी से पूछ रहे हैं सवाल। मैं ये कहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलाश की मृत्यु हुई थी, वहां पे केजरीवाल आया, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी पहुंचा, प्रियंका गांधी पहुंचे, क्या अभी तक उदयपुर में कोई पहुंचा क्या? आपने उनसे सवाल किया? आपने किया? नहीं किया। ये है एक तरफा जवाब, क्योंकि नहीं आप जवाब नहीं देते, ये एक तरफा बात है सिर्फ। जहां मुस्लिम की हत्या होती है वहां पर पूरा देश जमा होता है सारा। यही तुष्टिकरण, धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, यही तुष्टिकरण है, और इसके मुद्दे पर भाई साहब मौन है। कन्हैया के पास हालचाल लेने कोई भी नहीं, माइकल आज भी बच गया, और आज जो है आरोप लगाया 1983। मुख्यमंत्री गए थे। सबसे पहले कन्हैया जी के घर पे पहुंचने वाला व्यक्ति राजस्थान का मुखिया अशोक गहलोत, उस परिवार से मिलके आए हैं, उस परिवार के पास गए हैं। सुनिए, अब उन्होंने भाई केजरीवाल, उस राज्य
राज्य का मुख्यमंत्री हो तो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के ये अलगाववादी सोच रखने वाली बात करते हैं। राहुल गांधी हो चाहे ये केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे के सारे जो अलगाववादी सोच रखने वाले। ये जो बात कही ना भाई ने हमारे अभी जो बोले हैं कि एक बात तुमसे हम कहना, पहले तुमसे एक बात कह रहे हैं, कल जब आना जरूर आना बेटा शो में, 6 बजे शुरू होता है, लेकिन ठीक से आना, मेरे कुछ आ गए महक। नो बिल्कुल ठीक है, मैंने जो तुमसे कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूं, मैं नहीं खड़ा पाऊंगा तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं खड़ा पाऊंगा। जी 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 सर, माहौल बड़ा तंज सा हो रहा है, थोड़ा सा इसको लाइट कर दें अगर आपकी अनुमति हो तो। कर दीजिए। चलिए देखिए, हम बहुत पहले एक बारी वापस ले चलते हैं दुनिया को, रेडियो की दुनिया में ले चलते हैं। सर आज सवाल बहुत गंभीर है, सवाल बहुत गंभीर है कि आखिर कौन बांटता है, बहुत सिंपल नहीं है कि आखिर कौन बांटता है। फेसेस फेसेस लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिए, चलो ये फेसेस हैं, ये इसके खिलाफ बोलेंगे, ये फेसेस यहां नहीं आएंगे, ये फेसेस यहां आएंगे, इतना इतना एविडेंट है, इतना सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी दवा नहीं हो पा रही है। मैं आया बेटा, आया आया आया। साल में प्रीतिक जी एक भी बेहतर हूर मतलब आदमी नहीं है जिसने बेहतर हूर मिली हो, या समझा दो उन्होंने अगर भाई तुम्हें बेहतर हूर नहीं मिलती तो आधा मसला हल हो जाएगा, मसला सब मसला हल हो जाएगा, क्यों बेहतर हूरों के चक्कर में काटते हैं ये। और एक मिनट मैं कहूँ क्या कह रहे हैं, मैं समझ गया। एक मिनट सर आ रहा हूँ, सर हैव अ पेशेंस, सर हैव अ पेशेंस। भाई साहब ने ये बोला कि सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री का जिस देश में जिस स्टेट में वो काम हो रहा था उसके साथ साथ उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि इसके जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं, ये हमने भी सुना है। उनकी ड्यूटी है कि भाई मुख्यमंत्री है उसका जाना फर्ज था, लेकिन साथ के साथ उन्होंने राजनीति करी इसमें। अगर मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई है, ये जो मुद्दा कब से उठना शुरू हुआ है 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी ने अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुओं के हित की बात कर दी तो क्या बुराई कर दी है, क्या बुराई है ये काम, कौन सा मोदी सरकार ने गलत काम किया। एक भाई धारा 370 अगर नहीं हटती तो आज कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में होता, मैं दावे से कह रहा हूं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इसमें एक बार भी मोदी सरकार ने मोदी जी ने मुसलमानों का विरोध कभी भी नहीं किया है आज तक, जितनी भी आवास योजनाएं जितनी भी राशन योजनाएं हैं सबको मिलती हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी को गाली देते हैं, ये गलत है। हमारी जितना भी नुकसान हो रहा है ये राजनीतिक और विपक्षी पार्टियां कर रही है, इस देश का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। मोदी सरकार जब से आई है पूरा का पूरा देश बनने चाह है और देश के लिए काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना टाइम इनको क्यों दे दिया इन्होंने, दिमाग में आया होगा, बिल्कुल आया होगा कि आखिर इतने वक्त क्यों दे दिया इनको बोलने के लिए। हुजूर रैली इसलिए दी थी, हारेंगे प्रेम कुमार जी कोई बात नहीं, इतना वक्त क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया कि एक चुनी हुई सरकार, चुना हुआ प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री जिसको कि एमपीज ने चुना है, उनकी पार्टी ने चुना है, उनकी सहमति है, विश्वास क्यों नहीं करते हम, ये भी सवाल है, बड़ा सवाल है, क्यों नहीं करते, कहां गड़बड़ी है, हमने बांटने की राजनीति की शुरुआत क्यों करी, ये भी एक सवाल है, व्हाई, क्यों हो रहा है। और जो बात कही थी संचेती जी ने, वक्त जरूर कम है लेकिन मैं जवाब जरूर देना चाहता हूं आपके, कि मुसलमानों के मुंह से कहलाना चाहिए, जब मैं कहता हूं कि जब डीएनए एक है, जब मैं कहता हूं कि हमारे पुरखे एक है, और मैं कहता हूं कि कौन विदेशी है, है ही नहीं, तो यकीन मानिए जब मैं कहता हूं तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। एक चीज और कहता हूं, अब आपने छेड़ा है तो मैं आपको और बताता हूं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारे और आपके पुरखे, मैं कहता हूं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है, और जब आप टटोलेंगे अंदर तक जाएंगे और जब एक चीज निकालना चाहेंगे कि वो एक कौन होगा जो हमारी पहचान होगा और हमारे राष्ट्र की पहचान होगा, और वो सिर्फ एक ही एक होगा, उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। देखिए नफरत की सियासत से देश हलकान है, परेशान है। एक मिनट, मैंने बोल दिया जो बोलना था, मैंने बोल दिया, बहुत साफ बोला है, बहुत साफ बोला है कि सिर्फ बात इतनी नहीं है हमारे आपके पुरखों की। जब मैंने कहा कि पुरखे एक हैं तो मैंने ये भी कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है, हमारी सोच एक है। हाँ,
हमारी धार्मिक पूजाएं पद्धति अलग है। हम वजू करते हैं, हम हाथ धोते हैं, हम सजदे में आते हैं, हम सर झुकाते हैं, वो बात अलग है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। कविता रह गई ना आपकी, कल एक काम करेंगे, एक मुशायरा करेंगे। दो लाइनें सर सुनाइए जल्दी। कच्चे कान के हो गए हैं हम, विवेक और संयम को खो चुके हैं हम, अमन चैन में लगी है आग, निकल रहा है दम, आपसी सौहार्द हो रहा है कम, मिलकर करें प्रार्थना हम, ऐसा माहौल जल्द हो जाए थम। कल से आप शुरुआत करेंगे इसकी। धन्यवाद। जो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उस पर शुरुआत करेंगे हम। आया जरा, आया जी जी। बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक माँ काली की मूर्ति को लेकर के जो विवाद है, वो हम मानते हैं कि वो आपत्तिजनक है, तो क्या उस मूर्ति को जिसमें माँ काली सिगरेट पी रही है हमें वायरल करना चाहिए क्या? वो बात हुई, चर्चा हुई हमारी। अगर हम खुद उसको वायरल कर रहे हैं, खुद बढ़ा रहे हैं इसका, तो हम किस मुंह से उसकी निंदा कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम एक प्रोपेगंडा का हिस्सा हो रहे हैं, इससे बचना होगा। बिल्कुल बचना, बचना होगा, बचना नहीं होगा। इसमें आपको बहुत सख्ती के साथ बोलना होगा, यह गलत है, गलत है, गलत है। आस्था पे चोट पहुँचाना, किसी की भी आस्था पे चोट। मेरा आराम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत। प्रशांत, मेरा स्फटिक की माला है जी। मेरा केवल एक ही प्रश्न है, भारत में हिंदू हिंदी हिंदुस्तान था, हमारा हमेशा से मानना हिंदुओं का रहा है वसुदेव कुटुंबकम। हम अजमेर शरीफ में भी जाके माता टेकते हैं, हम वैष्णो देवी में जाके भी टेकते हैं, लेकिन एक संप्रदाय विशेष से, एक मजहब विशेष से केवल जब हमारे ऊपर हमला होगा तो क्या कायरों की तरह चुप बैठे रहेंगे? ठीक, अच्छा सवाल है, जवाब आप देंगे। वेरी गुड। मेरा एक प्रश्न था कि जब आप बोल रहे हैं सबकी संस्कृति एक है, क्या बोलते हैं, संस्कार एक है, हमारी डीएनए एक है ना, मतलब हाँ, एक है, तो ये हिंदू ही क्यों मानते हैं, एक पक्ष क्यों नहीं मानता? जब आप हाँ क्यों है क्यों हाँ 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 मैंने सुना। बहुत अच्छी बात है, ये सवाल आना चाहिए, और अगर सवाल नहीं आता तो मैं बहुत अफसोस होता। जो आपने सवाल पूछा, बहन ने उसी सवाल का सरलीकरण किया, पहले हम मान रहे हैं, दूसरा नहीं मान रहा है, हम ही हम करते जाएं, हम ही हम खेत जोतते जाएं, अगले वाले का आज आप रुकेंगे और अगला वाला। सवाल ये है कि सही क्या, गलत क्या, वो पक्ष कौन बोलेगा, वो पक्ष क्या कहेगा? भले वो कहता है कि सारे कुर्बानियां तो हमने भी दी हैं देश की आजादी में, कुर्बानी तो मेरा भी खून गिरा है, जितना आपका गिरा उतना मेरा भी गिरा, हमारे सामने भी तो हम नहीं गए, हमारे मुल्क से हमको प्यार था, हमारी मिट्टी से हमको प्यार था, हम यहाँ रुके, हम यही रहे जी। सवाल ये है कि वो जो घटना जिसका उल्लेख कर रही हैं आप, वो घटना हिंदू मुसलमान है या वो आतंकवादी घटना है जिसका उसी तरह से मजम्मत होनी चाहिए? मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया तो आ गया जी। कौन बोला थे? हाँ जी, धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान या कोई हिंदुस्तानी नहीं रहा, और जितना भी ये राजनीतिकरण हुआ है ये सभी पार्टियों ने किया, इसमें कोई एक बंदा नहीं है, कोई एक समाज नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है। राजनीतिकरण हुआ किधर? इधर से कोई हाथ उठा रहा था मेरे तरफ। हाँ जी जनाब। ये बहुत अच्छा है सर कि हम लोग बैठ के सबकी जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं, मीडिया के भी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं। आजकल जिस तरह से मीडिया काम करता है, जो बांटने का जो आप बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है मीडिया है। जिस तरह से आप थंबनेल्स देख लीजिए यूट्यूब पे जो आता है, या फिर टीवी पे जो हेडलाइंस आती है वो आप देख लीजिए, वो बांटने की एक कोशिश है। कोशिश नहीं है, बहुत खतरनाक कोशिश है। आप तो हल्के में बोल गए, मैं तो रोज बोलता हूँ कोशिश नहीं है। वो जो कटघरे में बना के बॉक्स बन के चल, और जब हिंदू मुसलमान रोज करोगे तो भैया जी कहीं जाए, हजार करें, डेढ़ हजार करें, कहां से समेट पाएंगे? तुम फैलाओ रायता, तुम फैलाओ रायता, हम बटोरे, नहीं होगा।